स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़कम एनआर फ्री एजुकेशन चैनल इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास इलेवन इंग्लिश टेक्स बुक सीरीज लेसन नंबर वन पॉइंट फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने ऑलरेडी वन पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट थ्री पढ़ा के अपलोड कर दिया है सो so, हमारे प्ले लिस्ट में आप चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में हमें आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे देती हूँ

व्यूज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ही इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी इनके ये व्यूज है इस लेसन थ्रू जो आपको पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं सो चलिए सभी को पता है ही इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो राज्य घटना है जो घटना है हमारी राज्य की वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखी है तो इनके लिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है सो लेट्स चेक कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेलस ओके सो इस लेसन थ्रू हमें क्या सीखने को मिलता है लेट्स लर्न द फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वर्ड टू वर्ड सेंटेंस टू सेंटेंस लेट्स स्टार्ट डू लाइक लाइक्राइब अवर चैनल दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी चलिए इंट्रो पढ़ लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में आया है डॉक्टर बाबा साहेब टाउन एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट ऑफ मऊ नाउ डॉक्टर अम्बेडकर नगर इन मध्य प्रदेश उनका जन्म हुआ था 1891 नाइनटी अप्रैल को मध्य uh, प्रदेश में महू गांव में वो उस जगह को अभी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से जाना जाता है

पोस्ट वहां पे दे दी गई थी और उनको बोला गया था सबसे बड़ा काम फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत की जो हमारी राज्य घटना है जिसके तहत पूरा देश चलता है तो उसकी जो रचना है वो करने का काम उसको लिखने का काम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है ही वॉज द भारत रत्न फॉर हिस्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर कंट्री वेलफेयर सभी का जो भला है वो सोचते हुए उन्होंने जो ये दिन रात मेहनत करके ये जो घटना लिखी इसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैज लेड एम्पोसाइज ऑन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी सो यहाँ पे देखिएगा अम्बेडकर जी ने ये जो तत्व है मूल्य है ये जो जीने बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है जिंदगी जीने के लिए दैट इज द लिबर्टी लिबर्टी मीन्स वॉट इट इज द फ्रीडम टू गो वे यू वॉन्ट डू व्हाट यू वांट यानी कि जो स्वतंत्रता आपको मिली है आप किसी के गुलाम नहीं हो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट इक्वालिटी मीन्स वॉट इक्वालिटी यानी समानता स्त्री पुरुष समानता हो हर एक को समान हक यानी कि समानता इस देश में मिली है एंड फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि इट इज द सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड बंधुत्व स्वातंत्र समानता एंड बंधुता ये जो हमारे तीन मूल्य है ये हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक देन है जो इस घटना के थ्रू मिले हैं अकॉर्डिंग टू हेम इनके तहत इनके जो अः अम्बेडकर जी का जो कहना है कि दिज प्रिंसिपल्स ये जो तत्व हैं विल मेक इंडिया स्ट्रांग नेशन भारत को एक स्ट्रांग मजबूत नेशन बनाने के लिए दिस आर द वेरी मोस्ट प्रिंसिपल्स

If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, वॉट मस्ट वी डू हमें अगर ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है इसको सिर्फ हमें लिखना लिखा गया है उस, उस सिर्फ लिखे हुए नहीं रखना है सो so उसको हमें रियल जिंदगी में भी अपनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग आर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल यानी जो सामाजिक और इकोनॉमिक्स यानी जो आर्थिक ऑब्जेक्टिव यानी जो ध्यय है हमारे जो हमें अचीव करने

नहीं पा सकते हो तो ऑफकोर्स जब नहीं थे आपके पास घटनात्मक अधिकार नहीं थे तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ही फॉलो करते थे घटना बाह्य थे लेकिन बट लेकिन वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन लेकिन हमारे पास हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है सो देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स तो घटना से बाहर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है दिस मेथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ ना एंड सूनर दे आर द बेटर फॉर अस ग्रामर ऑफ

And what is next? The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance, namely not to lay their liberties at the feet of uh, even a great man or to trust him with powers which enable him to subvert their institution. What is the meaning of subvert? Subvert, nak. Yeah, okay? uh, विध्वंस होना यानी नाश होना ठीक है सो so, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है ये क्या कहते हैं हमें ये हमें कहते हैं कि अगर हमें जो है ठीक है? अगर हमें लोकतंत्र यानी कि लोग आजाद हैं, वो खुद के तरीके से जी सकते हैं हम किसी के गुलाम नहीं है इनके मुताबिक टू ले देर लिबर्टीज आर द फिट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन हमें किसी एक व्यक्ति के पैरों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपनी नहीं है ठीक है और अगर वो आपको बोलता है कि तुम यही करना है यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं फिर अः दैट इज वी कॉल्ड कि एक ही कोई तो आपका राजा है और आप सब उसकी बात मान रहे हो So, यहाँ पे ये चीज नहीं है आप सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का अगर हमें अभी ये जो अधिकार मिल रहे हैं यानी कि जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है वो एजुकेशनल हो सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स इतने हमें अधिकार दिए हैं कि इनके तहत हम खुद एक स्वावलंबी जीवन जी सकते हैं जॉन so, स्टुअर्ट यही बताते हैं, ठीक है कि किसी एक के पीछे कर, उस पर पूरी जिम्मेदारी कर, हम आ, हमारा आ, नाश नहीं कर सकते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बींग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री रेंडेड मीन्स वीब्यूटेड मेड अवेलेबल तो यहाँ पर अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है ठीक है कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो हम उन हम उनकी पूजा कर सकते हैं right? राइट उनके उन्होंने जो अच्छी चीजें हमें बताई है उसको हम फॉलो कर सकते हैं बट देर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस लेकिन लिमिट्स है कि आप कितना ग्रेटफुल रहे एज हैज बीन वेल सेड बाय द इरिश पैट्रियट डैनियल ओकनल ओके So, इन्होंने जो कहा है ये आयरिश देशभक्त थे सो so उन्होंने ऐसा बोला है कि नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑनर यानी कि कोई भी जो पुरुष है ठीक है सो वो आ, अपने मूल्य के लिए उसके जो मूल्य है ठीक है तो उसके सेल्फ हम बोल बोलते सेल्फ रिस्पेक्ट से वो ज्यादा नहीं हो सकते ऑनर से ज्यादा नहीं हो सकते नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ ऑफर प्योरिटी और किसी भी लेडी के लिए ठीक है किसी भी स्त्री के लिए जो उसके जो उसके कृतज्ञता मूल्य है ठीक है तो उसकी पवित्रता से ज्यादा नहीं है एंड नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी और यही पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि कोई भी देश अपनी जो स्वतंत्रता है तो उसका जो मोल है उसका मोल देके किसी का कृतज्ञ नहीं रह सकता सो दिस क्वेश्चन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन द केस ऑफ एनी अनदर कंट्री फॉर इन इंडिया यानी कि यहाँ पर ये ये भी बोल रहे हैं कि यही चीज हमें इंडिया में भी फॉलो करनी पड़ती है भक्ति और व्हाट में बी कॉल्ड द पाथ ऑफ डिवोशन और हीरो वर्शिप जैसे कि हम करते हैं भक्ति ठीक है हीरो वर्शिप मीन्स व्हाट एग्जेसिव एडमिरेशन फॉर समबडी यानी कि व्यक्ति पूजा वो बहुत महान है तो वो जो कहेगा वही हम करेंगे अगर वो व्यक्ति आगे जाके कुछ गलत डिसीजन भी लेता है तो फिर भी हम उसको सपोर्ट करेंगे सो ऐसे हमें नहीं करना ही इज ट्राइंग टू से अंबेडकर जी यही कह रहे हैं कि आपको अपने जो मूल्य है लिबर्टी है आपकी लिबर्टी नहीं खोनी है इक्वेलिटी नहीं खोनी है आपकी स्वतंत्रता और समानता आपको खोनी नहीं है सो हीरो वर्शिप एंड डिवोशन सो प्लेज अ पार्ट इन इट्स पॉलिटिकल एंडल्ड इन मैग्नीट्यूड बाई द पार्ट इन प्ले इज इन द पॉलिटिक्स इन एनी इन दर्ल्ड सो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिक्स है जो राजनीति है सो so, इसमें हमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है या फिर किसी को इतना उसको इतना ऊंचा स्थान नहीं देना है कि आ, वो जो कुछ भी करे वही सही है हम हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप उनको नहीं माने आप मानो उनकी आप पूजा करो लेकिन उसको भी कुछ तो लिमिट होनी चाहिए उसमें आपको अपनी खुद की पहचान नहीं खोनी है भक्ति इन रोड टू दैलवेशन ऑफ द सोल सो पे जो धर्म है उसमें जो भक्ति है ये क्या हो सकता है कि जो हमारी आत्मा है ठीक है हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए एक मार्ग है बट इन पॉलिटिक्स जो हम भगवान की पूजा करते हैं वो दिल से करते हैं बट इन पॉलिटिक्स बट राजनीति में भक्ति और वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टोरशिप डिग्रेडेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कॉज समथिंग टू बिकम वर्स इन क्वालिटी यानी कि सत्यानाश कर लेना विध्वंस कर लेना ओके okay? So, यहाँ पे अंबेडकर जी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं पागल होना है पॉलिटिक्स में आपको भक्ति या फिर पूजा नहीं करनी है आप भगवान की भक्ति करो उससे आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा लेकिन पॉलिटिक्स में आपको ये गलती नहीं करनी है ऑन द ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी जनवरी 1950 में वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन का मतलब है आइडियाज दैट आर अपोज्ड टू वन अदर यानी कि विरोधाभास हर किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं उसमें टकराव हो ही जाता है सो 26 जनवरी 1950 को हम ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं कि वहां पे विरोधाभास तो होगे इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनईक्वालिटी पॉलिटिक्स लाइफ में यानी कि राजनीति में तो इक्वलिटी हमें मिलती है बट सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हम इन इक्वल ही है अभी भी गरीब गरीबी होता जा रहा है, है और अमीर अमीरी होता जा रहा है ये जो इनके बीच में गैप है ये फिलअप ही नहीं हो रहा है सो ही इज ट्राइंग टू से पॉलिटिक्स में तो सब एक बराबर से काम कर लेते हैं एक बराबर से चलते हैं वो अपोजिट पार्टी हो या फिर रूलिंग पार्टी हो बट सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में लोगों के बीच जो ये गैप बढ़ता जा रहा है सो so, ये इन असमानता है इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकनाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट पॉलिटिक्स में एक वन मैन वन वोट यानी कि एक इंसान एक मत एंड वन वोट वन वैल्यू और एक उसके जो एक वोट है उसको जो एक वैल्यू होती है एक मूल्य होता है ये जो प्रिंसिपल ये फॉलो कर सकते हैं हम इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ लेकिन हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शाल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू लेकिन हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमें वन मैन वन वैल्यू यानी एक पर्सन एक मत एक मूल्य ये हमें फॉलो नहीं करना है हाउ लॉन्ग शाल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम ऐसी विरोधाभास की जिंदगी और कितने साल तक जिएंगे हाउ लॉन्ग शाल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ और कितने साल और कितने दिन हम हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो इनइक्वालिटी डिनाई इक्वलिटी यानी समानता को हम कब तक स्वीकार नहीं करेंगे कब तक असमानता झेलेंगे इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग अगर हमने बहुत समय तक इसे इसको डिनाई किया इस पर ध्यान नहीं दिया वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल पेरिल मीन्स डेंजर तो इसमें हमारी जो आ,

इक्वालिटी मिलनी चाहिए समानता मिलनी चाहिए हर एक के हक समान होने चाहिए हर को हर एक को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए हर एक को उतना ही अधिकार होना चाहिए कि वो अपना जो मत है जो खुद के ओन थॉट्स uh, है वो खुद रख सके और इससे क्या होगा कि जो असमानता है जो आर्थिक और सामाजिक जीवन में है वो कम हो सकती है द सेकेंड थिंग वी आर इन रिकग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स मीन वॉट की इट इज द सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड यानी कि अगर हमें बंधुता जो रखनी है बंधुता अगर ये फॉलो करना है वॉट ड्रैटर्निटी मीन बंधुता यानी क्या Fraternity means a sense of of common brotherhood of all Indians. If Indians If being one people, हम सब एक है हम सब भारत के लोग एक है कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है ये जब हम मानेंगे तब ये बंधुत्व का भाव हमें आ जाएगा It is the principle which gives unity and solidarity to social life, सामाजिक जीवन में यूनिटी यानी कि एकता और सोलिडेरिटी यानी कि जो मजबूती है इससे हमारा जो देश है ये मजबूत बनेगा इट इज डिफिकल्ट थिंग टू अचीव ये बहुत मुश्किल है ये चीजें अचीव करना पाना हाउ डिफिकल्ट इट इज लेकिन कितना मुश्किल है कैन बी रियलाइज फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्राइसी इन हिज वॉल्यूम यूमोन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द स्टोरी इज आई प्रपोज टू रिकाउंट इट इन द वर्ड्स ऑफ ब्राइसे हिमसेल्फ दैट ओके सो यहाँ पे हमें अंबेडकर जी ने जेम्स इन्होंने जो लिखा है अमेरिकी कॉमनवेल्थ पर जो अमेरिका का जो संयुक्त राज्य है सो so उसमें जो स्टोरी है जो उन्होंने लिखे वहां पे प्रिंसिपल्स रखे हैं, सो so उन्होंने वो वैल्यूज जो है वो अपनाई भी है ठीक है सो लाइक दिस की दिस इज द स्टोरी सम इयर्स एगो

तो उन्होंने क्या किया था तो उसको उन्होंने लिटर किया यानी कि राइट प्रिस्क्राइब फॉर पब्लिक वर्शिप लोगों के कल्याण के लिए उसको रीराइट किया था इट वॉज थॉट डिजायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमंग द शॉर्ट सेंटेंस प्रेयर्स और अ प्रेयर फॉर द होल पीपल एंड एन एमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन प्रपोज द वर्ड्स ओ लॉर्ड ब्लेज आर नेशन एक्सेप्टेड वन आफ्टरनून ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट तो उन्होंने क्या किया था रिवाइज करके जो बहुत बड़ी जो उनकी प्रार्थना थी तो उसको उन्होंने शॉर्ट किया था लाइक ओ लॉर्ड ब्लेस आर नेशन हे प्रभु हमारे देश को आपके ब्लेसिंग्स दीजिए आपका आशीर्वाद दीजिए सो so, इस तरह से वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने ये उनको सुझाया था उनको बोला था द देंटेंस वॉज अप नेक्स्ट डे फॉर रिकन्सिडरेशन वेन सो मेनी ऑब्जेक्शन वर रेज बाय द लेटी टू द वर्ल्ड नेशन इज ओलर्ट

बाद सब ने जो वहां पर वर्ड्स डाले उससे ये डिसाइड हुआ कि ये जो इन्होंने वर्ड्स हैं, ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन तो इसके जगह वो क्या बोलेंगे ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट्स हे प्रभु इस संयुक्त राष्ट्र को आपका ब्लेसिंग्स आपके आशीर्वाद दीजिए इस तरह से उन्होंने सब में चर्चा करके सबके मत लेके फिर ये लाइंस वहां पे Start up हो गए। अमेरिका so जब जो USA जो country है अमेरिका जब हम इसको अभी बोलते हैं तो उनमें जो सॉलिडॅरिटी है मीन्स वर्ट की जो मजबूती है जो एकता का भाव है उनमें सो so, जब तक ये चीज नहीं हुई थी तब तक उनको पता ही नहीं था कि उनका नेशन में Oh, कितना वो कितने पावरफुल है इफ़ द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट फील दैट दे वर अ नेशन जब यूएसए को ही पता नहीं था कि वो खुद एक राष्ट्र है हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर इंडियंस टू थिंक दैट दे आर अ नेशन तो यहाँ पे अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि जब तक उन्होंने ये जो है रिस्ट्रक्चर नहीं किया था कि ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड स्टेट तब तक उन्हें उनमें यह भाव नहीं था कि हमारा एक राष्ट्र है तो अगर तब यूएसए को तब तक नहीं पता चला तो हमारे भारत को तो ये चीज पता करने ये समझने में कितना टाइम लगेगा आई रिमेम्बर द डे इज वेन पॉलिटिकली माइंडेड इंडियंस रिजेंटेड द एक्सप्रेशन अम्बेडकर जी ने एक किस्सा बता रहे हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग द प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन भारतीय राष्ट्र यह जो एक्सप्रेशन है वो उनको अच्छा लगता है i am opinion that in believing

बी अ नेशन लेकिन यहां पर अम्बेडकर जी बोल रहे है कि ये जो कास्ट है जो जातिवाद है ये क्यों करते हैं द सुनर विट आर नॉट एज एट अ नेशन इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ल्ड द बेटर फॉर लेकिन अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि भेदभाव क्यों करे इसका धर्म वो है उसका धर्म वो है ये हमारे दिमाग में पहले से पुरानी, कई सालों से ये दिमाग में हमारे घुसाया गया है इसकी वजह से भेदभाव होता है फॉर देन ओनली वी शाल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन ऑफ रियलाइजिंग द गोल जब तक हम एक होकर Uh, आगे नहीं बढ़ते तब तक हमारी जो uh, हम बोलते हैं ना प्रोग्रेस नहीं होगी ऑफ दिस गोल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट लेकिन ये चीज हमारे लोगों को समझना उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था फार मोर डिफिकल्ट देन इट हैज बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कोई जाति भेद धर्म भेद नहीं होता था वो कहते थे वी आर पीपल ठीक है लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था वो उस धर्म का ये उस जाति का है इससे पुरानी आ, हजारों सालों से चली आ रही ये जो गंदी परंपरा थी इससे क्या हो रहा था कि लोगों में फूट थी इससे फ्रैटर्निटी बंधुत्व भाव कहीं पे तो नहीं दिख रहा था और आ, नहीं भी था सो so, ये कैसे आगे फॉलो होने वाला है इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत ही सीरियसली ये उनके पॉइंट्स रख रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो

खुद का जो है हम बोल सकते हैं ना कि वो पैदा कर रहे थे जलन मतभेद भेदभाव इससे किसी एक का ही भला हो रहा था सबका नहीं बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज इफ यू विश टू बिकम नेशन इन रियालिटी लेकिन अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हमें अगर रियल में हमारे देश को आगे लेके जाना है हमारी उन्नति करनी है तो हमें इन सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा फॉर फ्रैटर्निटी बंधुत्व भाव के लिए कैन बी एफेक्ट ओनली इज नेशन विदाउट फ्रैटर्निटी यानी कि जब बंधुत्व भाव होगा तभी हमारा एक राष्ट्र होगा विदाउट फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुत्व भाव के बिना इक्वेलिटी समानता के बिना एंड स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के बिना विल बी नो डीपर देन कोर्ट ऑफ पेंट तो ये यह यहाँ पर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि अगर आप में बंधुत्व समानता और स्वतंत्रता आप आप अपने अंदर समान नहीं लेते, उससे आप नहीं करते, तब तब ये एक हम कोट करते हैं ना कोट ऑफ पेंट यानी कि अंदर कुछ और बाहर -और सिर्फ मुलामा देकर वो चीज सेटिस्फाई करना इस जैसा होगा सो वी नीड टू फॉलो फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑल दिस थ्री प्रिंसिपल्स for आर नेशन ग्रोथ हमारा देश अगर आगे जाना चाहिए तो हमें ये चीजें फॉलो करनी है दिस इज दू थाउजेंड ट्वेंटी एंड अभी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है जैसे हम जब स्वतंत्र हुए थे 1951 में जो, 50 में जो जो 50 सिचुएशन थी अपार्ट दैट यानी कि तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है और अभी सब लोग हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग अभी एजुकेटेड हैं एंड सभी लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि दीज आर द थिंग्स वी नीड टू तो फॉलो

मैंने बहुत ट्राई किया आपको ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड बताने का अगर कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स थ्रू बता देना आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड थैंक्स अलॉ फॉर योर एंड सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सो कीप सपोर्टिंग आर इंग्लिश मास्टर चैनल डू लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू सो मच एंड बाय